very, very good performances by all the actors. Atul ki capabilities ko main janta hu, maine kaam kiya Atul ke sath. टॉपिकल है, अच्छा है, अच्छी लाइनें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एक्टर ने यह नहीं किया कि देखो मुझे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. एवरीबॉडी वाज वेरी नॉर्मल, यू नो, स्पेशली कविता वाज वेरी वेरी नॉर्मल, काम्या वाज वेरी वेरी गुड, ऑल द एक्टर्स ब्रिलियंट. मैं थिएटर से मतलब आई डू इसी प्ले का सबसे बड़ी बात एडवांटेज ये होता है कि एक लाइव आपको रिएक्शन मिलता है, लाइव परफॉर्मेंसेज होते हैं, उसमें रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती, यू नो. सो आई एंजॉय वॉचिंग प्लेस, आई डू. ओके, बीइंग एन एक्टर कितना डिफिकल्ट होता है एक प्ले में? मैंने भी किया है, मैंने भी किया एक, एक अतुल जी के साथ ही किया है कहानी तेरी मेरी. और डिफिकल्ट तो नहीं है और है भी, मतलब एज एन एक्टर आई थॉट दैट ग्रोथ होती है फॉर एन एक्टर टू डू थिएटर, एंड अच्छा मज़ा आता है क्योंकि आपको ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल सामने नज़र आता है, आप इंजॉय करते हैं उसे, और इट्स ग्रेट फन. आई थॉरली इंजॉय डूइंग अ प्ले एंड इट शुड बी रिटन वेल. अतुल ने और कविता दोनों ने ही इनवाइट किया था. कविता मेरी मित्र हैं, अतुल को मैं बहुत पहले मिला था दिल्ली में, वो मेरे साथ नाटक करना चाहते थे, इत्तफाकन बात नहीं बन पाई. फाइनली अतुल का मैंने काम देखा और मुझे अच्छा लगा. सही कहूँ तो मैं, नाम ऐसा है पजामा पार्टी, मैं सोच कर आया था हल्का फुल्का नाटक होगा, तो एक बहुत एंटरटेनिंग शाम की उम्मीद लेकर के आया था, बट एंटरटेनमेंट तो हुआ ठीक है, लेकिन बड़े सेंसिटिव सवाल भी उठाता है ये नाटक. कंसेंट क्या है, रेप की डेफिनेशन क्या है, नो का मतलब क्या है, और नो का कंटेक्स्ट भी चेंज हो सकता है. आपस में ही हम सिंपथी करते हुए भी कई बार एक रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर को घर परिवार वाले ही कई बार शायद कमज़ोर कर देते हैं, ज़्यादा उसके लिए चिंतित हो करके या ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो करके. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दोस्तों में विश्वास क्या होता है, कहाँ तक कितनी बातें छिपाईं कितनी नहीं छिपाईं. वेरी इंटरेस्टिंग, कई लेयर्स हैं, कई मुद्दों को छुआ है, बट विदाउट लूजिंग द एंटरटेनमेंट क्वेश्चन. प्ले बांध के रखता है आपको, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, पूरी टीम का काम अच्छा है, एंड स्पेशली अतुल जिन्होंने लिखा है और डायरेक्ट किया है. सो बहुत बहुत बधाई हो सभी को. मैं शायद बायस्ड हो जाऊंगा भाई, क्योंकि कविता मेरी दोस्त है, बट सबका काम अच्छा है क्योंकि सबका कैरेक्टर मुख्तलिफ है. सो सारी लड़कियों ने अपने कैरेक्टर्स के साथ पूरा जस्टिफिकेशन किया है, मेन काम लड़कियों का है, बट द बॉयज़ आर अ सरप्राइज पैकेज ऑल्सो. वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. उसका एक अलग मज़ा है. देखिए, एक पर्दे पर लोगों को एक भुलावे पर या एक एक बनावटी दुनिया पर यकीन दिलाना, एक वर्चुअल वर्ल्ड पे यकीन दिलाना, वो बड़ा आसान है क्योंकि एक पर्दे का डिस्टेंस है बीच में, तो हाँ ये राम है और ये श्याम है और ये फला है ये. पर लाइव स्टेज पर, और वो भी जब आप लोगों को जानते हो, मुझे मालूम है ये कविता कौशिक है, ये काम्या पंजाबी है, तो लेकिन थोड़ी देर में आप फिर भूल जाते हैं, आपको वो कैरेक्टर लगने लगते हैं, एंड एक डायरेक्ट गिव एंड टेक होता है एनर्जी का. यू कैन फील कहाँ को कौन सा सीन ढीला जा रहा है, कब एक्टर्स उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल दैट 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 रियल टाइम गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहीं और नहीं मिल सकता. थैंक यू. I have known Atul for a long time, and it's a pleasure always to watch his plays. I like his work, and this is his new production, I guess, and I've not seen it, so I'm very excited to see it. Also, one very dear friend of mine is acting in this. His name is Sunil Palwal, and Sunil is a fine actor. He has worked with me. He works in my production also. So I'm here to support him also, and support Atul. Okay, being an actor.
देखिए काम तो आप कोई भी अच्छा करना चाहेंगे तो वो डिफ़िकल्टी होता है, और दोनों अलग अलग मीडियम हैं। थिएटर का अपना एक अलग चार्म है, उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है ऑडियंस के साथ, एंड आई गेस दैट ऑल द एक्टर्स हु आर वर्किंग इन फिल्म्स एंड टेलीविजन एंड वर्किंग इन थिएटर, दे आर डूइंग थिएटर फॉर दैट लव ओनली। प्लेस देखना मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्लेस देख नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल, बट जब भी मौका लगता है, जैसे आज मैं शूटिंग कर रहा था और अचानक मुझे पता लगा कि मेरी शूटिंग इतने बजे पैकअप हो जाएगी, सो आई जस्ट रैन एंड केम टू वॉच दिस। मेरा फिल्मों में या थिएटर में? फिल्मों में बहुत सारे हैं, शमशेरा इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ, और पागलपंथी के शूट से आ रहा हूँ मैं इस वक्त, और बाला करके एक बहुत पसंदीदा फिल्म है मेरी, आधार एक मैंने फिल्म कंप्लीट की है, वो बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो इस तरह से कई सारी फिल्में जो हैं वो दे आर ऑन फ्लो। तुर्रम खान जिसका मेरे ख्याल से टेंटेटिव नाम अभी तुर्रम खान है, बट लव रंजन ने उसको लिखा है और प्रोड्यूस किया है, और हंसल मेहता उसको बना रहे हैं, सो ऑल दिस जी, सो आई एम वेरी हैप्पी दिस ईयर, आई एम वर्किंग विद टू वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर्स एंड वेरी गुड एक्टर्स, राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना, इन दोनों को ही मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये इत्तेफाक से इस साल में दोनों के साथ एक साथ काम हुआ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। When there's Kavita and Kamya, you can expect all that you want and get much more than that. They are two bombastic individuals by themselves, amazing performers. I have actually taken time off of my shoot because I said I have to watch these two on stage. देखिए अनफॉर्चुनेटली हम एक्टर्स को जो टेलीविज़न में काम करते हैं ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, हालांकि हम अतुल जी जैसे प्रोडक्ट से जुड़ना चाहते हैं, स्टेज शूट करना चाहते हैं, मगर टेलीविज़न हमें ज़्यादा वक्त नहीं देता है। बहुत अरसे बाद मैं अतुल जी का प्ले देखने आ रहा हूँ, और वो तो पता ही है कि कंटेंट वाइज तो बहुत कमाल ही होगा, बट डेफिनेटली द एक्स फैक्टर इज़ कविता एंड काम्या। प्लेस इज ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉच बिकॉज आई मीन इट्स अ प्लेजर फॉर द ऑडियंस, इट्स अ प्लेजर फॉर द परफॉर्मर बिकॉज दे एक्चुअली गेट टू इंटरेक्ट विद, दे गेट टू फील द पल्स ऑफ द ऑडियंस, एंड मुझमें हिम्मत नहीं है स्टेज पर चढ़ने के लिए, जब मुझे अवार्ड भी देना जाना पड़ता है तो मेरे पैर कांपरे होते हैं, समझ में नहीं आते ही, तो तीन तीन घंटे कैसे स्टेज कर जाते हैं लोग। थैंक यू सो मच। पजामा पार्टी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैंने कभी पजामा पार्टी देखी भी नहीं है रियल लाइफ में भी, तो स्टेज पे देखने को मिल रही है, तो एक बात तो कंफर्म है कि कविता और काम्या, मैं तो इनको जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है उनके मर्द ही मानता हूँ, कि खूबसूरत लड़कियों की बॉडी में मर्दों वाला दिमाग लेके ये पैदा हुई है, और जब ऐसा नाटक लेके ये स्टेज पर आ रही हैं दोनों, तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और मैं वैसे भी थिएटर का आदमी हूँ, पंजाब में बहुत थिएटर किया है, और आज बहुत देर के बाद थिएटर में मतलब देखने का मौका मिल रहा है, सो उम्मीद करता हूँ कि जैसा थिएटर हमने किया है, जैसा हमने देखा है, उससे बेटर थिएटर देखने को मिले, और अगर ये दो मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी की बिजी और महंगी आर्टिस्ट टाइम निकाल के स्टेज पे आई हैं, तो कुछ श्योर है कि अलग है, कुछ डिफरेंट है, कुछ स्ट्रॉन्ग है,
तो जितना उनको देखने के लिए मैं इस वक्त उतावला हूँ और एक्साइटेड हूँ, तो मुझे लगता है कि मज़ा आने वाला, बस इतना बात है। सॉरी, थिएटर के दिन तो बहुत याद रहते हैं जी। मैं मुझे याद है कि हमारे अमृतसर में थिएटर का भी इतना नहीं था जब हमने शुरू किया था, तो हम लोग पर्दे के पीछे से देखते रहते थे ऐसे चोरी चोरी। हॉल भर गया, क्योंकि अगर हॉल भर जाता था ना तो परफॉर्मेंस डबल हो जाती है, क्योंकि बड़ा ये लाइव रहता है रिस्पॉन्स। कि जैसे टीवी में हमें पता होता कि पहले हमें खुद को पता होता कि हमने अच्छा काम किया, फिर भी वेट करते रहते हैं कि पता नहीं यार ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स करेगी, या गारंटी हो जाती है कि एडिट होगा, म्यूज़िक डलेगा, हो जाए। कुछ नहीं है, इधर 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 बोला, उधर सामने से ताली आ गई, मिल गया रिस्पॉन्स। तो डेंजरस प्लेटफॉर्म है स्टेज हमेशा, और जो यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मुकाम आसान हो जाते हैं एक्टिंग के पाने के। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ जी थिएटर को, क्योंकि एक तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, और अभी भी ऑलमोस्ट महीने में 4-5 दिन हम लाइव होते ही हैं लोगों के साथ लाइव शोज़ पे, तो आई नो द फियर, और जिसे कहते हैं कि एक्साइटमेंट स्टेज पे खड़े होके जैसे पर्दा खुलता है तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। एक्सपेक्टिंग यार, जो अतुल कौशिक जी हैं, मतलब हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और मैं इनके साथ में ऑलरेडी एक प्ले कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं, इज़ अ वेरी टैलेंटेड राइटर, टैलेंटेड डायरेक्टर, और पास्ट में इन्होंने इतने अच्छे प्लेस बनाए हैं, तो उम्मीद है जो नया प्ले बना रहे हैं, जो एक टाइटल इटसेल्फ इज़ वेरी कैची टाइटल, पजामा पार्टी, तो इट लुक्स वेरी इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डेफिनेटली ही विल मेक अ गुड प्ले, ओनली अच्छा प्ले बनाएंगे, प्लस अच्छी स्टार कास्ट, लुक्स नाइस, काव्या पंजाबी इज़ देयर, शी इज़ अ वेरी फाइन टैलेंटेड एक्ट्रेस, कविता कौशिक हैं, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, और मतलब बाकी नाम मैं शायद चौथी तीसरी बच्ची का मैं नाम आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, बट शक्ति सिंह आई नो, तो वो मेरे साथ में पहले काम कर चुकी हैं, शी फ्रॉम दिल्ली थिएटर, FTS की लड़की हैं, तो वेरी इट्स अ गुड स्टार कास्ट। सो उम्मीद है बहुत ही बढ़िया प्ले होगा, आई हैव कम हियर टू सी, आई हैव कम हियर टू एंजॉय, इट्स गोइंग टू बी नाइस। वही मैंने कहा ना, इट्स अ वेरी कैची टाइटल, मैंने कहा ना आपसे पहले, अच्छा कैची टाइटल है पजामा पार्टी, और क्या है, तो इंटरेस्टिंग, लुक्स वेरी इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा ही होगा, देखते हैं क्या है। थैंक यू। ये सवाल मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट पता है, बिकॉज जब मैं अतुल के साथ बालीगंज कर रहा था तो ऑब्वियसली ही वॉज राइटिंग द प्ले एंड ही वॉज शेयरिंग द स्टोरी विद मी, सो आई नो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, एंड अतुल बहुत अच्छा लिखते हैं, एंड आई थिंक अतुल के पास एक जिसे कहते हैं ना, एक आर्ट है कि वो एक प्ले को एंटरटेनिंग बनाने के साथ साथ एक मैसेज ओरिएंटेड प्ले भी बनाते हैं हमेशा। सो वही पजामा पार्टी में भी एक कॉन्सेप्ट जिस तरह का है, और आई एम श्योर प्ले इज़ गोना वर्क रियली वेल। लोगों को शायद ऐसा लगता है कि पजामा पार्टी मतलब कोई एक फन प्ले है, ये है बहुत, देर इज़ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इन द प्ले, बट एट द सेम टाइम द मैसेज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर एंड हार्ड हिटिंग, इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी, द स्क्रिप्ट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी, आई एम श्योर द ऑडियंस इज़ गोइंग टू रिलेट टू द स्क्रिप्ट वेरी वेल, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जो ऐसा लगेगा कि ये आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, it is very much up to date with the present situation we have in our society, and I'm sure the play is also going to be very good. Main play karta hu yaar abhi isi director ke aur writer ke sath main play kar raha hu jo mera already show chal raha hai baliganj, so main jab bhi mauka milta hai play ek to naya ho hi jata hai 3-4 saal mein, aur ek lo ke jab open hota hai to wo 2-3 saal tak uske run shows chalte hi hain, सो अभी हमने थोड़े दिन पहले इसी महीने में हमने दो शोज़ किए दिल्ली में, सो प्ले मेरी आइटनरी में हिस्सा रहता ही है हमेशा। पजामा पार्टी सुन के एक
एक इंट्रीग पैदा हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ लड़कियां रात को मिलेंगी और किसी घर में रहेंगी और एक पार्टी वार्टी होगी जिसको पजामा पार्टी बोलते हैं। मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी की नहीं है, मैं पजामा पहनता नहीं हूँ, मैंने कभी पजामा नहीं पहना, तो इसलिए मुझे पता नहीं पजामा पार्टी क्या होती है। अगर लुंगी पार्टी होती है तो मैं बता देता क्या होती है, क्योंकि लुंगी बहुत पहनी है मैंने लाइफ में। खैर ये तो रही मजाक की बात, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी नाइस आउट ऑफ द प्ले बिकॉज अतुल जी का प्ले है और मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। अच्छे कलाकार हैं, अपने अपनी जगह बनाई है इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में अपनी अपना काम करके, और आई एम श्योर के आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट। बहुत सारे हैं अभी, क्या जिक्र करूँ यहाँ। थैंक यू। देखो पिजामा पार्टी सुनकर मैं ऐसे अपने पिजामाज में आ गई, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्ले। पजामा पार्टी सुनकर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज ऑफ कोर्स जब गर्ल्स गेट टुगेदर और हम लोग एकदम उदम मचाते हैं जब किसी के घर में, यू नो यू स्टे ओवरनाइट एंड जस्ट इट्स गॉसिप एंड इट्स फन एंड इट्स यू नो लॉट ऑफ थिंग्स कम आउट दैट नाइट जो पहले यू नो लोग बातें नहीं की हो अबाउट। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, बट देन व्हेन आई लुक्ड एट द पोस्टर इंटेंसली इट रियली लुक्ड टू मी दैट दिस इज अ बैड एस यू नो स्टोरी फॉर श्योर बिकॉज ऑल ऑफ देम विद देयर हॉकी स्टिक्स एंड एवरीथिंग। Then I said, wow, this looks even better. You know, what's happening at this pajama party? Then I looked further and you could see that all of them are hurt. So this had something to do with with probably a topic that needs to be talked about, something to do with, you know, women oriented. I don't know the story, which is why I'm just saying something to do with things that happen to women and how they take revenge. Wo hockey stick dekh ke to definitely laga Kamya's out for revenge. So, Kamya and me have worked together in Be Intiha. We played sisters. This is 2013-14. Since then, from the first day she came into the makeup room and she asked me if she could share my makeup room for her test. I was already doing the show and she was playing my sister. From that time onwards, there's been no looking back to my friendship with her. People have wondered, they say, oh, how can two people be actresses, especially two of you keep doing negative roles everywhere, this, that. I know for a fact ki Kamya ek aisi ladki hai, I can call her up 3 baje raat ko, I can call her up and she will be there, whether it's for a pajama party or whether it's for anything else. Pajama party ko bhi ki hai 100%, kitne sare, I mean all the time. And it actually kal hi to ek dusri dost Mansi mere se keh rahi thi, it's time to have a pajama party with all the girls. So it's nice, it's girl time, it's unadulterated girl time, and you know you're not thinking oh abhi idhar se yahan pe jana hai ya ghar jana hai or whatever. A pajama party, everyone should definitely have one. Bahut hi excited. You know, she told me when she sent me the invitation, she told me, she said, Behen, tere se banne ja rahi hu, I'm doing theatre. And I was so, so happy because we've discussed this a while. Main 25 saal se kar rahi hu theatre and this is one medium jo har ek actor ko experience karna chahiye because it is it's the biggest adrenaline rush and it's the biggest test for an actor to stand there on a stage and see whether your audience is grasping it or not. There's no need for any reviews and there's no need to wait for anything else. Right then and there you can see their reactions or you can hear their claps, and that's what I wanted. Kamya, who's you know like a sister to me, I wanted her to experience that. I'm so glad that she's taken this on and I hope that all four of them, you know, they stick at it, that the play goes far and wide and they do really, really well. Thank you. My pleasure. I'm expecting a lot of fun, lot of satire, and of course it's a pajama party, very quirky title, so I'm really excited for the show and I don't know, I mean, what I'm going to, it's Kamya, of course, a great actress, so of course I'm very excited about it, I don't know. Okay, pajama party hai, so, you know, naam sunkar, kya expect kar rahi hai play mein? See, pajama party, I'm expecting a lot of fun, इसीलिए मैं without pajama आई हूँ आज क्योंकि मैं सारी यहाँ पे जो group है pajama group है, I'm really excited to watch them and मैं बिल्कुल ही blank होके आई हूँ because I really wanna see कि इसमें है क्या, so I haven't expected anything out of it. Okay, pajama party is
पिजामा पार्टी इज़ लाइक अ लॉट ऑफ फन. हम लोग बहुत सारा करते रहते हैं, अक्सर हमारे फ्रेंड जो ग्रुप से हम लोग करते रहते हैं, बिकॉज पहले जैसे मेकअप नहीं करना पड़ता है, सबसे कंफर्टेबल होते हैं, वी कैन जनरली हाउस पार्टीज करते हैं, सो इट्स लॉट ऑफ फन ऑफ कोर्स. काम्या को देखने के लिए वाकई में बहुत, एक तो मैं काफ़ी दिन बाद आ रही हूँ कोई प्ले देखने, एंड स्पेशली ये काम्या का शो है, सो देखते हैं वो क्या कर रही है फिलहाल, इस शो में क्या कर रही है, इस प्ले में क्या कर रही है. टाइमिंग तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है. एक स्पेशल चीज़ है, मतलब शादी को हमें इतना समय हो गया है, ये हमारा पहला प्ले है, टुगेदर वी आर वॉचिंग इट, बिकॉज वी बिन डिसाइडिंग कि हमें देखना है प्ले, लेकिन वो मौका नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ द शेड्यूल्स. लेकिन अब ऑब्वियसली काम्या इज अ क्लोज फ्रेंड, तो उन्होंने बताया प्ले हो रहा है, तो मैंने उसको बोला भाई चलो आज आज प्ले देखना है. अब आ गया आप इसको. आई थिंक क्या, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट आई थैंक्ड माई स्टार्स कि आज मेरी शूटिंग नहीं थी पटियाला वेव्स में, तो मुझे इतना अच्छा प्ले देखने का एक्सपीरियंस मिला. एंड इट्स फैब यार, आई मीन मैं तो हूट कर रही थी पूरा वहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, बहुत इंगेजिंग है ना. मतलब अभी इंटरवल हुआ है और वापस जाने का एक्चुअली बहुत मन कर रहा है. मुझे तो बहुत फाड़ लगा वो जिस वे में उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया ना. अभी मैं स्टोरी तो बता नहीं सकती ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत सारे और भी लोग हैं जो जब शोज लगेंगे तो वो देखने आएंगे. तो मैं तो यही कहूँगी, हमारी तरफ से तो यही होगा दर्शकों के लिए, आप लोगों के ज़रिए, क्योंकि आप ही लोग हमें दर्शकों तक पहुँचाते हैं, कि ज़रूर 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 आइएगा पजामे में या बिना पजामे के पजामा पार्टी देखने के लिए. जैसे कि कहा कि थिएटर जो है हम करते हैं, आई मीन नसीरुद्दीन शाह मेरे गुरु हैं, तो जो लाइटिंग है प्ले की मैं सब्जेक्ट नहीं रिवील कर सकता, बट लाइटिंग, यू नो द बैकग्राउंड स्कोर, द वे इट्स बीन नरेटेड थ्रू आउट द इंटरवल, इट इज जस्ट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड इट्स समथिंग टू डू विद द करंट सिनेरियोस, इट्स गुड. हाँ, ये बेसिकली आधा गेम ओवर हुआ है अभी शो में. शादी ना, शादी के बाद तो गेम ओवर हो ही जाता है. वैसे देयर इज अ सेइंग कि मैरिज इज लाइक एन ओपन बुक वेयर द हीरो डाइज इन द फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे तो फिर भी गेम ओवर हुआ है तो चलता है. पजामा पार्टीज, या हम लड़कियों को के का ही ये शुरू से चलता है पजामा पार्टीज, बट ये कुछ अलग है. पजामा पार्टी सोच के आई थी, तो जब इधर आई प्ले देखने तो मैंने सोचा कि हाँ ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है. मतलब एक पजामा पार्टी शुरू हुई, ऐसे ही होता है, लड़कियाँ सब लोग बैठते हैं, गपशप होती है, कोई इधर की बात, कोई उधर की बात, थोड़ी बहुत इधर उधर की बिचिंग होती है और क्या. अच्छा, exactly. हाँ. वैसे मैं भी एक बार सोचता था लड़कियों की पजामा पार्टी है क्या, तो आज रिवील कर दिया है उन्होंने कैमरे के सामने. हाँ, लेकिन जब भी पूछो तो कहते छोड़ो, तुमसे लेना देना नहीं है, बता दिया है उन्होंने क्या. हाँ, ये मैंने भी नोटिस नहीं किया, थैंक यू सो मच. ये मतलब एक तो बोल रहे कि शादी के बाद ये पहला प्ले है जो मैं देखने आया हूँ, और गेम ओवर पहन के. I was twinning with you ना, with this color, the dress that you're wearing. मैंने कहा अब भी कुछ ब्लैक वेट पहने. शुक्रिया शुक्रिया मुझे ये दिखाने के लिए. मिलते बाद में बात करेंगे. थैंक यू, लव यू ऑल. Thank you.